पुलिस में भी हमने टीआरपी सिस्टम, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चलाई थी, सबसे पहले हरियाणा में चलाई गई, जिसके अंदर यानी लगभग 8-10 हज़ार पुलिस की भर्तियां हमारी पिछले 6 साल में हुई हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हुई हैं, चाहे वो कांस्टेबल की हुई हैं, पुरुषों की, महिलाओं की, सब तरह की। लेकिन हमने सिस्टम उसमें दायर किए और सिस्टम के अंदर कभी कोई फ्लॉ नहीं निकला। और अच्छे अच्छे लोग, यानी आज पुलिस का जो नया बैच है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे यानी होनहार। और उसमें से हमने एक और छूट दी उनको कि आपको आगे प्रमोट करना, अपने आप को करियर बनाना है, आपको आगे जाने के लिए कोई भी टेस्ट देना, एनओसी नहीं लेना पड़ेगा, जस्ट यू इन्फॉर्म योर डिपार्टमेंट कि मैं एक टेस्ट देने जा रहा हूं। पहले क्या होता था, एनओसी लेना अनिवार्य होता था, और एनओसी लेते समय ऊपर के अधिकारी भी सोचते थे भी ये नीचे का आदमी, हमारे काम का आदमी है, हमारा हमने ट्रेनिंग इसको दी है, ये जाएगा तो हमें छोड़ जाएगा, तो फिर हमारा काम खराब होगा, हमें नई भर्ती करनी पड़ेगी। नो, हम उस नौजवान के कैरियर में बाधा नहीं बनना चाहते।